दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार रात को नकारात्मक शक्तियाँ अधिक प्रभावी होती हैं। ये नकारात्मक शक्तियाँ मानसिक रूप से कमज़ोर किसी भी व्यक्ति को तुरंत अपने प्रभाव में ले लेती हैं। दोस्तों, इसी प्रकार गरुड़ पुराण में कथा के अनुसार बात करें तो महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर दिल का माना जाता है, और ऐसी मान्यता है कि मृत शरीर को अग्नि देते समय अगर कोई रोता है तो इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, और ऐसे समय में जब महिलाएँ सबको जलते हुए देखती हैं तो भावुक हो जाती हैं और रोने लगती हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत प्रकाश और आप देख रहे हैं रजत फैक्ट्स टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमज़ोर होता है और नकारात्मक सोच से घिरा हुआ होता है तो ये संभावना और भी बढ़ जाती है। जब कोई व्यक्ति इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आता है तो उसका खुद पर काबू नहीं रहता और वह उसके बस में हो जाता है। दोस्तों, सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव तो सभी पर होता है, लेकिन कमज़ोर सोच के लोगों पर नकारात्मक शक्ति तुरंत हावी हो जाती है। ख़ास तौर से अधिकांश महिलाएं ऐसी होती हैं जो भावनात्मक रूप से बेहद ही कमज़ोर होती हैं, जो किसी भी इमोशनल होने वाली बात पर भावुक होकर जल्दी रोने लगती हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो महिलाओं को शमशान घाट जाना मना है, आइए जानते हैं। दोस्तों, शमशान घाट में ऐसी बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं जिसको देखना महिलाओं के लिए उचित नहीं होता है। जैसे कि कुछ क्षेत्रों में ऐसी परंपरा है जहां डेड बॉडी को जलाने से पहले उसके सिर पर डंडा मारा जाता है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी परंपरा निभाई जाती हैं जो कि महिलाओं को देखते हुए बर्दाश्त नहीं होती, जो कि महिलाओं के लिए ये दृश्य देखना उनके लिए मानसिक रूप से आघात पहुँचाता है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे देश में ऐसी मान्यता है कि शमशान में बुरी आत्माओं का वास होता है, और ये बुरी आत्माएँ या नकारात्मक ऊर्जा लंबे काले बालों की ओर जल्दी आकर्षित होती हैं। ऐसा माना जाता है कि शमशान घाट पर जलाए गए सभी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती, उनमें से कुछ लोगों की आत्माएं वहीं भटकती रहती हैं और वह महिलाओं को अपना निशाना बनाती हैं। इसलिए जब पुरुष दाह संस्कार की क्रिया को ख़त्म करते हैं तो वह अपने बाल वहीं अर्पित करके चले आते हैं, लेकिन महिलाएँ बालों को अर्पित नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, इस वजह से महिलाएँ नहीं जाती हैं शमशान घाट। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।